हेलो फ्रेंड्स, हमने राम जी के वेलकम की तैयारी तो कर ली है। आप देख सकते हैं हमने अपने घर में रंगोली और ये सब बना लिया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, सुबह से ही यहाँ रैली निकलना शुरू हो गई है और जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। सुबह से ही देख सकते हैं जिससे जैसा बन पड़ रहा है, यहाँ गाड़ियों से रैली निकाल रहे हैं। देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन है, मैं ही आगे निकल चुके हैं और पीछे भी हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने पूजा कर ली है और आज का जैसे ही राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, मैंने पूजा कर ली है। बाहर निकल चला हमारे घर के पास में एक मंदिर है, वहाँ किस तरह से सजाया गया है, कैसे दीपों को रखा गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो शायद फ्रंट से नहीं दिख रहा, मैं आपको बैक कमरे से दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरह से अपने घरों में दीपक जलाया है और यहाँ पे बीच में एक छोटी सी फूलों की रंगोली बनाई है, देख सकते हैं। तो ये कैसे लग रही है, इसमें हमने दीपक जलाया है, तो कैसे लग रही है कमेंट में लिख के बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि कैसे लग रही है। ये मैंने खुद बनाई है, वो भी जल्दी में। और यहाँ पे तुलसी जी के पास भी हमने छोटा सा 3 दीपक जलाए हैं। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, मंदिर में अभी ना दीपक जला दिए गए हैं, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। लाइन से जो दिख रहा है ना, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए है ना, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ऊपर लाइटिंग है बट नीचे जो दिख रहा है वो दीपक है। फ्रेंड्स, अब हम लोग जाने वाले हैं मंदिर, क्योंकि मंदिर जाऊंगी मैं आंटी के साथ, वहाँ कुछ प्रोग्राम होने वाला है तो उसी के लिए जाएंगे। तो जब वहाँ पहुँचेंगे तब आपको बताएंगे वहाँ क्या होगा। मैं यहाँ वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बैग में जो म्यूज़िक बज रहा है ना, उसमें कॉपीराइट आने के चांसेस है, तो फ्रेंड्स इसलिए बहुत सारा वॉइस ओवर करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैं नीचे से आके मंदिर के पास से दिखा रही हूँ। मंदिर के अंदर देखिए स्वास्तिक बनाया गया है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। दीपक से स्वास्तिक बनाया गया है और चारों तरफ इस तरह से दीपक लगाया गया है और इसके इस तरह धर्मशाला बनाई गई है। धर्मशाला के पास देखिए आज यहाँ प्रोग्राम था सुंदरकांड का, तो उसी का प्रसाद वितरण हो रहा है। तो घर बढ़िया सजाया, देखो है ना। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसी तरह से 22 जनवरी के दिन जगह जगह पर पंडाल लगाया गया है और प्रोग्राम रखा गया है दीपावली की तरह। साड़ी का टाइम नहीं था मेरे पास, तो ऑरेंज कलर की है भी नहीं साड़ी, तो मैं क्या करूं। फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं।
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने सुंदर से सजाया गया है। ये फ्रंट गेट है, ओरिजिनल फ्लावर्स से सजाया गया है पूरा। लिखा गया है जय श्री राम। तो चलते हैं पंडाल के अंदर, काफ़ी भव्य सजाया गया है। और यहाँ पे आए हुए हैं कुमार विष्णु भजन सम्राट, तो उन्हीं के विष्णु का आनंद लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और किस तरह से पंडाल को सजाया गया है। अभी पंडाल में काफ़ी कम लोग हैं क्योंकि प्रोग्राम जस्ट अभी शुरू हुआ है। तो देख सकते हैं सीट काफ़ी सारी खाली है। तो हम लेते हैं विष्णु का आनंद कुमार विष्णु जी की आवाज़ में। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ ही देर में पंडाल पूरी तरह से भर चुका है। काफ़ी लोग नीचे भी बैठे हुए हैं क्योंकि बहुत से लोग नीचे बैठकर भजन सुनना पसंद करते हैं। देख सकते हैं काफ़ी लोग आ चुके हैं। और हर उस भक्त वृंद के लिए जो आज प्रभु राम के चरणों में उसके दिल पर बैठा हुआ है, जब उसकी आत्मा छोड़ी जीवन में वो मेरी बात अधूरी रह गई थी। इंसान बेबस है, मुस्कुराना भूल गया, प्रभु के चरणों में भी सिर्फ शिकायत करता है, ये नहीं किया वो नहीं किया, प्रभु ये नहीं दिया वो नहीं दिया, अरे क्या कमी की है, कुछ कमी नहीं की। एक बात लिख लीजिए, वक्त से पहले मुखर से ज्यादा न मिला है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। सब लोग, कुछ लोग जा चुके हैं प्रसाद लेने के लिए और चल रही है महाआरती। अब इसके बाद हम लोग भी जाएंगे घर। तो हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैं आ गई हूँ वापस घर में और अभी टाइम हो रहा है 10:45। 10:45 बज रहे हैं, मैं घर आ गई हूँ। और फ्रेंड्स मैं पहली बार दिल्ली में इतनी रात को आई हूँ। आंटी के साथ में आई हूँ और प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था, इसलिए प्रोग्राम हम लोग पूरा देख के आए हैं, बीच में नहीं छोड़े क्योंकि बीच में आने का मन ही नहीं कर रहा था। तो राम जी कितने सुंदर भजन उन्होंने गाया, काफ़ी मजा आया। तो मैंने राम जन्मोत्सव इस तरह से इंजॉय किया, आप लोगों ने कैसे किया कमेंट में लिख के बताइएगा, है ना। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिखिएगा, है ना। मिलते हैं ब्लॉग में, बाय।